प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM का चुनावी बिगुल बज चुका है। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कई जिलों में अपनी जनसभाएं कर चुके हैं। उनकी सभाओं में भीड़ भी जुट रही है। वो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की मुस्लिम विरोधी नीतियों के साथ साथ सेकुलर पार्टियों सपा बसपा और कांग्रेस को भी अपने निशाने पर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो पिछड़े हुए हैं या उन्हें जो सताया जा रहा है उसकी वजह लीडरशिप की कमी है। उनका तर्क है कि यादवों की आवाज़ उठाने के लिए अखिलेश यादव हैं, दलितों की आवाज़ उठाने के लिए मायावती हैं, लेकिन मुसलमानों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। इसकी वजह ये बता रहे हैं कि सपा बसपा और कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक बनाकर मुस्लिम लीडरशिप को उभरने का मौका ही नहीं दिया है। उनका दावा है कि वो मुसलमानों को इन पार्टियों की गुलामी से निजात दिलाएंगे। वैसे ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान 19% हैं, लेकिन राज्य की सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी महज 2% है। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा बसपा सबकी सरकारें रही हैं और मुसलमानों ने सबको वोट दिया है, फिर भी किसी भी सरकार ने इस नाबराबरी को दूर करने की कोशिश नहीं की। जबकि उत्तर प्रदेश की जेलों में मुस्लिम कैदियों की हिस्सेदारी 27% है। वो कहते हैं कि मुसलमानों को ऐसी धाराओं में गिरफ्तार किया जाता है कि जमानत मुश्किल हो जाए। इन सब की वजह वो मुस्लिम लीडरशिप की कमी बता रहे हैं। वैसे ये दावा कर रहे हैं कि वो इस चुनाव में मुस्लिम लीडरशिप पैदा करेंगे। मुस्लिम लीडरशिप यानी मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम पार्टी मतलब AIMIM, AIMIM मतलब असदुद्दीन ओवैसी। वो कहते हैं कि हमारा यानी मुसलमानों का वोट तथाकथित सेकुलर पार्टियों ने भाजपा और संघ परिवार का डर दिखा कर लिया है, लेकिन अब ये डर मुसलमानों पर काम करने वाला नहीं है। हालांकि भाजपा का डर उन्हें भी है, भाजपा से ज़्यादा डर इस बात का है कि कहीं मुसलमान फिर ये सोचने न लग जाएं कि भाजपा को हराना उन्हीं की जिम्मेदारी है। इसलिए वो ये कहना नहीं भूलते कि हम 2022 में योगी को हराएंगे और 2024 में मोदी को भी हराएंगे, लेकिन कैसे? यूपी में तो उनकी पार्टी ने 403 विधानसभा सीटों में से 100 पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चलिए मान लिया कि आप 100 में से 100 जीत जाते हैं, तो बाकी की 104 सीटें कहां से आएंगी? क्योंकि आपके 100 सीट जीतने का मतलब होगा कि सपा और बसपा का सफाया। तो ऐसे में सिर्फ आप रहेंगे और आपके सहयोगी रहेंगे और भाजपा रहेगी। लेकिन 2014 के बाद होने वाले चुनावों के आंकड़े कुछ और कहानी बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर 2014 से पहले मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जहां मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत तय मानी जाती थी, वहां भी भाजपा ने जीत का परचम बुलंद किया है। हैरानी की बात यह है कि 50% के आसपास या उससे अधिक मुस्लिम वोट वाले लोकसभा क्षेत्रों से भी भाजपा ने जीत दर्ज की है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में रामपुर और मुरादाबाद, बिहार में कटिहार और अररिया, पश्चिम बंगाल में नॉर्थ मालदा और रायगंज। ये तब हुआ है जब ओवैसी साहब मैदान में नहीं थे। अब जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की जिन 100 मुस्लिम आबादी वाले विधानसभा क्षेत्रों की बात की जा रही है, वहां के सारे मुसलमान तो AIMIM के उम्मीदवार को वोट देने से रहे। तो ऐसे में जब इन वोटों का चौथा दावेदार भी मैदान में आ जाएगा तो नतीजों का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। और इसी अंदाजे के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ओवैसी साहब में एक राष्ट्रीय स्तर के नेता की छवि दिख चुकी है, जिनका जानाधार देश के अलग अलग हिस्सों में है। उत्तर प्रदेश में योगी जी को किसी और से चैलेंज नहीं है, बल्कि ओवैसी साहब से है। और अब जबकि ओवैसी साहब की सभाओं में काफी भीड़ जमा हो रही है, ये देखकर योगी आदित्यनाथ जरूर खुश होते होंगे। मुस्लिम एक धार्मिक ग्रुप है, जातीय ग्रुप नहीं। अगर जाटों की नेता मायावती हैं और यादव के नेता अखिलेश यादव हैं, तो आप भी किसी बड़ी मुस्लिम जाति का नेता बन जाइए। बिहार में कुछ लोगों ने पसमांदा मुसलमान का मुद्दा उठाया था, उन्हें किसी ने भी सांप्रदायिक नहीं कहा था। लेकिन अगर वैसी मुस्लिम लीडरशिप की बात करेंगे तो जाहिर है कोई हिंदू लीडरशिप की भी बात करेगा। बहरहाल, हैदराबाद से बाहर का वैसी का जो राजनीतिक तजुर्बा रहा है, उसमें से एक दिलचस्प चीज़ सामने निकल कर आई है। अब तक वो महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ चुके हैं। इनमें से जिन राज्यों में उनकी पार्टी को थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है, वहां भाजपा और उसका गठबंधन कामयाब रहा है, और जिन राज्यों में मुस्लिम वोटर्स ने उन्हें नकार दिया है, वहां भाजपा हार गई है। फिलहाल ओवैसी की सभाओं में आ रही भीड़ ने सपा बसपा और कांग्रेस की नींद उड़ा रखी है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ओवैसी और AIMIM से कैसे निपटा जाए, गठबंधन करके, उन पर हमला करके या उन्हें नज़रअंदाज करके। फिलहाल
उन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल लग रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें।